सीरियल जमाई राजा में सिड, रोशनी और यश के बीच चल रहा है मजेदार लव ट्रायंगल। जी हाँ, मजेदार इसलिए क्योंकि हम सभी को अच्छे से पता है कि रोशनी सिड को और सिड रोशनी को बेनतहा प्यार करती है। लेकिन पिछले दिनों रोशनी और सिड के बीच काफी तनाव हो गया था, जिससे ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। आप भी देखिए सिड यश के सामने कैसे रोशनी पर बड़े प्यार से हक जता रहा है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल। यश का थोड़ा राइट बैलेंस पीछे। अच्छा, आप असली वाले हैं। Hey guys, how are you doing? Hi यश, कैसा है तू? रोशनी रोलिंग एंड हाँ, अरे हाँ, आज के सीन में मतलब ऐसे ही जर्नलिस्ट आते हैं और इट्स क्वाइट नाइस यू नो, इन द सेंस कि वो जर्नलिस्ट जो है यश और रोशनी को कैप्चर करना चाहते हैं एंड आई सडनली वॉक इन बिटवीन एंड किसी तरीके से उनको चकमा देकर के रोशनी को वहाँ से ले जाता हूँ ताकि वो कोई उल्टी सीधी खबर ना छापे। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग सीन। नाइस है। 3 महीने का अल्टीमेटम है और अभी वो कुछ बोल भी रही थी कि यार 3 महीने की बात फिर सब सही हो जाएगा। आपको लगता है कि मतलब सही हो जाएगा, फिर सब कुछ सच में आपके लिए सही हो जाएगा? अब पता नहीं, कहना मुश्किल है। 3 महीने हमें ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। आप 3 महीने की बात करें, यू नेवर नो। अभी तो मतलब कि मतलब ये लोग रेजिस्टेंस में हैं, लॉगर हेड्स में हैं एक दूसरे से, बट दैट डजंट मीन दैट दे डोंट लव ईच अदर एनीमोर। सो मतलब वो नाराजगी एक्सप्रेस करने के पीछे भी एक्चुअली एक दूसरे के लिए इंटेंस लव है जो अब ये मैं पूरी कोशिश करके दबा देना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कम आउट। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसको तो बचाना है ही, बट साथ में एक मतलब अगर ऐसी खबर आती है तो परिवारों की भी काफ़ी बेइज्जती होती है, बहुत नाम उछाला जाता है। तो साथ में उसको बचाना भी उतनी ही बड़ी प्रायोरिटी है व्हेन यू नो वन हैज़ टू डू इट। सो थैंक यू।